नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है यूपी में भारतीय जनता पार्टी की नई नेता रीता बहुगुणा जोशी जी की। आपका स्टूडियो में स्वागत है। मैंने कहा नई नेता, अब समा गई पार्टी है कि नहीं अभी तक? अब तो चेंज हुआ है पार्टी का, लेकिन इंसान तो वही है। ये तो होता है ना महिलाओं के लिए, जब दूसरे घर में जाती है ना कई बार तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, जल्दी अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि भारतीय महिला इस मामले में बड़ी तेज है ना, समझदार भी हैं, अडॉप्ट हो जाती है। तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि घर में नया परिवार था? स्वाभाविक है, जब उन्होंने स्वतः ही ज्वाइन कराया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ज्वाइन कराया है, काफी चर्चाओं के बाद मैं शामिल हुई। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, एक महीना हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता, उन्होंने सहृदय मुझे स्वीकार किया। उनमें काफी इस बात में उनमें खुशी है उनको कि मैं उनकी पार्टी में गई हूँ। कांग्रेस पार्टी के साथ आपके पिताजी का और उससे पहले भी सकते हैं, कितने साल से मुझे सब 60 साल लगे? सत्रह साल की उम्र में बहुगुणा जी आए थे, बीच में उन्हें छोड़ना पड़ा 10-12 साल, लेकिन 60 साल परिवार से जुड़े हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ऐसा क्या लगा कि मोह भंग हो गया आपका? देखिए, 21वीं सदी में जब ये हम लोग चल रहे हैं, अध्यक्ष नहीं पार्टी की यहाँ पर, देखिए ऐसा होता है कि राजनीति में आदमी कोई एक विचार लेकर आता है। उत्तर प्रदेश में जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो ये मेरे लिए रोजी रोटी नहीं थी, एक बहुत ही दिल से मैं कुछ करना चाहती थी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए। विचारधारा से भी जुड़ी हुई थी? विचारधारा भी बिल्कुल थी। और मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, 27 वर्ष रही कांग्रेस में, 24 वर्ष 20 साल तो सीधे ही 98 से लेकर 2016 तक मैंने बहुत बहुत मेहनत करी। में आगमन जो हुआ सोनिया जी के साथ हुआ एकदम? हाँ, राजीव जी थे तब उस समय हुआ। और मैं सोनिया जी ने जब टेक ओवर किया मुख्य रूप में, तभी उसके बाद मुख्य रूप से तब आए। और बहुत उन्होंने भी मुझे कई पद दिए और मैंने भी बड़ी मेहनत की। लेकिन देखिए क्या है कि इस समय उत्तर प्रदेश के जो हालात हुए पिछले 2002 से अब तक, आप देखिए 14 साल में हर साल हर बार हम सोचते थे कि कुछ अब बेहतर होगा, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। जब आप कांग्रेस की सदस्य थी तो आप पार्टी क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी काफी साल रही हैं। अब बहुत प्रयास किए गए, हम लोगों ने बड़ी मेहनत भी करी, लेकिन कुछ 2009 के बाद से मुझे लगता है कि जनता के मन से हम लोग धीरे धीरे क्यों उतरते गए, क्षेत्रवाद और यहाँ का जातिवाद, और जिस तरीके का गवर्नेंस सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश को दिया, इसमें देखिए धन और बल का बहुत ज्यादा महत्व होता चला गया और धीरे धीरे फिर जाति का बहुत महत्वपूर्ण खेल आ गया बीच में। तो अब यह हालात हो गए उत्तर प्रदेश में कि 5 साल ये रहते हैं, 5 साल वो रहते हैं, 5 साल ये लूटते हैं, 5 साल वो लूटते हैं, और एक दूसरे को धमकाते हैं, और फिर उसके बाद फिर जब आते हैं तो एक दूसरे के बैक को स्क्रैच करते हैं। तो इन लोगों के आप देखिए वही माफिया, चाहे वो भूमि माफी हो, चाहे वो खनन माफी हो, चाहे वो शराब माफी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, नौकरशाह, तो वही रूल करते हैं। बीएसपी की बात मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि हिम्मती बहुगुणा जिन्होंने सेकुलरिज्म के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उनके खून के अंदर सेकुलरिज्म था, मैं उनसे मिलता रहता था, व्यक्तिगत रिलेशनशिप थी मेरी। मेरे को लगता नहीं कि वो बेचारे स्वर्ग में बैठ करके क्या सोच रहे हैं कि मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने क्या कर दिया, ये सांप्रदायिक जिनके खिलाफ मैं लड़ा, उन्होंने सरकार भी छोड़ दी चक्कर में, तो वो आज उस पार्टी के साथ बैठे जिनके लिए मैंने लड़ाई की। तो आपको लगता नहीं कि कहीं या वो कांग्रेस वो नहीं है जो आप जिस कांग्रेस में वो थे? दोनों बातें हैं। कांग्रेस ने देखिए खुद अपने आप का अपना वो सुसाइडल पाथ पर है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जब तक सोनिया गांधी जी एक्टिव रही, पार्टी बहुत अच्छे से ग्रो करती रही। हम लोग भले यूपी में सत्ता में नहीं आए, लेकिन एक क्या कहते हैं, सबको सामूहिक रूप से लेकर साथ चलने का एक प्रयास रहता था। पर 2009 के बाद से धीरे धीरे हम स्लिप करते चले गए और अब 2012 के बाद एकदम हताश हो गई पार्टी। जिस तरह से हमको हटाकर चेंज किया गया, 2 साल हम सोते रहे, फिर चुनाव आया 6 महीने पहले जगे, फिर 2 साल सो गए, फिर चुनाव आया तब की प्रशांत किशोर जी को लेकर के कॉरपोरेट स्टाइल से चुनाव लड़ने का व्यवस्था की। तो मुझे ऐसा लगा कि पार्टी उत्तर प्रदेश को बिल्कुल छोड़ चुकी है। ये कांग्रेस के लोगों में उनसे मिला, उनका कहना ये कि रीता बहुगुणा क्योंकि हमने अध्यक्ष बनाया, उनके अध्यक्षता में चुनाव भी हार गए, कोई बढ़त नहीं हुई, रीता बहुगुणा कांग्रेस के लिए इतना पद दिया, रीता बहुगुणा कांग्रेस को कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। वो एक किस्म से जिसको कहते हैं कि फेल लीडर साहब होती है, इसलिए कोई और जगह ढूंढनी थी ढूंढ ली। इसमें कितनी सच्चाई है मेरे को पता नहीं कि कांग्रेस बुरी तो 1991 के बाद बुरी चल रही है, नई बात तो है नहीं उनके लिए। देखिए 2007 में जब मैं अध्यक्ष बनी, नाम लेवा नहीं था कांग्रेस का कोई, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं जेल गई, मेरे पर केसेस लगे, मैंने रोज प्रदर्शन
धरना प्रदर्शन करती थी, गांव गांव में झंडे दिखने लगे, कांग्रेस रेकनिंग में आई, चर्चा में वापस आई और 12% वोट हमको 2012 में मिला। 2014 में कितना वोट मिला और अब कितना मिलेगा वो भी आप देख लीजिएगा। जहां तक मेरा प्रश्न है भाई, मैं सलमान खुर्शीद जी से बड़ी नेता तो नहीं थी, मैं जायसवाल जी से बड़ी नेता तो नहीं थी, प्रमोद तिवारी जी 30 साल तक यहाँ काबिज रहे सीएलपी लीडर, उनसे बड़ी नेता मैं तो यूपी की नहीं थी। तो अगर मैं आपको विश्वास किया ना, मुझे लाया तब गया जब ये सब फेल हो गए और मैंने एक माहौल बनाया कि भाई कांग्रेस भी है, उसके लिए मैंने एक माहौल यूपी में बनाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लोग उत्तर प्रदेश में सीरियसली लेना तब से बंद कर दिया जब से पूरी बागडोर राहुल जी के हाथ में आई, और 12 के बाद तो बिल्कुल ही डिक्लाइन शुरू हो गया। राहुल के आने से कांग्रेस बर्बाद हो गया? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कहूंगी बर्बाद हो गई, रेकनिंग से बाहर हो गई ना। रेकनिंग से तो बाहर बहुत पहले हो गई थी, जब तक सोनिया जी थी तब कांग्रेस आपको लगता ठीक दिशा में चलते? नहीं, तब तक कांग्रेस पार्टी का जो संचालन, पार्टी का जिस तरह से संचालन हो रहा था उसमें सीनियर लीडर्स की उसमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी होती थी, उनकी राय ली जाती थी, काडर को नेतृत्व के साथ मिलने का, अपनी बात कहने का अवसर मिलता था। लेकिन एक तो जो 10 साल हम लोगों का शासन रहा दिल्ली में, प्रथम चरण में, तो द्वितीय चरण में बहुत उपेक्षा की गई कार्यकर्ताओं की। उत्तर प्रदेश का कोई नेता मंत्री से नहीं मिल पाता था, उत्तर प्रदेश का कोई कार्यकर्ता दिल्ली में जाकर अपनी बात नहीं कह पाता था। और जहां तक मुझे देने का सवाल है, मैं समझती हूँ सोनिया जी ने जितना विश्वास मुझको दिया था उसका 10 गुना मैंने मेहनत से वापस लौटाया, और 10 साल हमारी पार्टी दिल्ली में पावर में रही। 1 लाख का पद मैंने पार्टी से ना मांगा ना लिया, 1 लाख का पद। अब सत्ता और आज भी हमारे, आप बाकी नेताओं के आप जरा एसेट्स निकाल लीजिए यूपी में, मेरा निकाल लीजिए, जो भी पार्टी यहाँ सत्ता में रही उसके साथ मिल मिल के हमारे बड़े नेताओं ने यूपी के क्या क्या अर्जित किया वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो प्रश्न ये है कि मुझे जो मिला उससे कहीं ज्यादा मैंने लौटाने की कोशिश की। तो आप कहने का मतलब ये कांग्रेस वाले भ्रष्ट नेता पैसे इकट्ठा करते रहे और पार्टी भूल गई? भ्रष्टता नहीं कहूंगा, धन कमाने में लगे रहे और पार्टी भूल गई, हताश होके अपना अपना स्वलाभ देखते रहे। मैं ये चार्ज लगा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो नेतागण थे, बड़े नेता कांग्रेस, उन्होंने कभी भी पार्टी के लिए नहीं अपने लिए काम किया और सत्ताधारी पार्टियों से मिलकर काम किया। पर आप मेरा अलग एक चलन था। राहुल से आपको कोई मतलब लगता है कि रेपो नहीं बन पाया? लगता है कि आपको राहुल जी के स्टाइल, देखिए मैं बुजुर्ग हूँ, उनकी माँ की उम्र की हूँ, आई एम सोनिया जी से एज, मुझे उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग पसंद नहीं था। देखिए आप किसी की बात ना सुने, आप सोचें कि जो आ रहा है मुझसे कुछ मांगने आ रहा है, अगर आप कोई राय दें तो ये सोचा जाए कि इनका कोई निजी स्वार्थ। अनेक कारणों में से एक कारण ये भी है कि राहुल जी का नेतृत्व आपको सूट नहीं किया, उनका स्टाइल, उनका कार्य करने का, तो वही होता है ना, उनके कार्य करने का जो शैली है उस शैली से मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो आपको लगा कि वो पार्टी के लिए एक एसेट बनने के बजाय नुकसान पहुंचा, लायबिलिटी बन रहे हैं? अब लायबिलिटी मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उनके नेतृत्व को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। तो 60 साल का जो आपका परिवार का संबंध था उनके, क्योंकि मेरे को लगता है कि मोह भंग जो हुआ आपका, मैं दोबारा शब्द प्रयोग करें, सोनिया जी के प्रति आप पहले से कह रहे हैं अच्छी नेता थी, उनके जमाने में ठीक था, मैनेजमेंट भी ठीक था, राहुल जी के आने से आपको ज्यादा फर्क पड़ा। तो आपको लगा कि आप, कई बार होता है ना आइडियोलॉजिकली होता है आदमी कि मेरे पसंद नहीं है, घर में बैठ जाता आदमी, तो आपको राजनीति रूलिंग पार्टी के साथ, आप एक राजनीति छोड़ करके जो आपकी जन्म से अलग है दूसरी तरफ चला, इसको लोग भी कहीं सत्ता के लालच में आपने छोड़ दिया? कौन सी सत्ता, जब मैं कांग्रेस रूलिंग पार्टी में, जब 98 में मैंने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन करी सोनिया जी के नेतृत्व में, क्या हालत थी कांग्रेस की? सत्ता के आसपास भी नहीं थी, अटल बिहारी जी का बहुत लंबा कद था उस समय। और आज मैं आपसे बात कह रही हूँ, 20 साल जो मैंने दिए, 20 साल में बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बड़ी सत्ताधारी पार्टियां आई। मैं आपसे प्रदेश की बात करती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, महिला हूँ, सक्रिय हूँ, सामाजिक आंदोलन से निकली हूँ, राजनीति तो छोड़ दिए, 73 से मैं महिला आंदोलन में हूँ। तो मेरा, मुझे गुस्सा आता है जब मेरे इर्द गिर्द गलत काम होते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर गुंडा राज, माफिया राज, एक हर चीज में करप्शन, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, तो वही बातें कर रही है जो आप, और हम नहीं, तो कांग्रेस ऑल्टरनेटिव नहीं बन रही है ना। मैं ये समझती हूँ इस समय इन दोनों पार्टियों को जाना चाहिए, सपा बसपा को हटना चाहिए, और इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आप जो उसकी आप आइडियोलॉजी की बात करें, लेकिन मेन एजेंडा मोदी जी का इस समय प्रगति है, विकास। मोदी जी के एजेंडे पे मैं दूसरे से, मैं अभी आपकी मैं बोल रही हूँ आप, मैं क्यों आई, क्योंकि आप राजनीति में क्यों आती, जब आपकी आइडियोलॉजिकली आपके खून में वो है नहीं जो बीजेपी के खून में।
एक खून क्या होता है, खून सबका एक साथ, खून सबका एक सा होता है। चाला जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें आपके जो है फंडामेंटलिस्ट, मॉडरेट्स और लिबरल्स नहीं है? हर पार्टी में आपको कट्टरपंथी भी मिलेंगे, मध्यम वर्गीय भी मिलेंगे, उदारवादी भी मिलेंगे। और जहाँ तक अम्ब्रेला पार्टी थी ना, गरीब भी था, दलित भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, कांग्रेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो थी उसमें सब लिखते, सोनिया गांधी के सब कुछ लिखते, 2014 के चुनाव में ये सारे वर्ग तो मोदी जी के साथ चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और सक्सेसिवली हम देख रहे हैं कि जनता का विश्वास उनको मिल रहा है। तो अगर जनता विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों को हटा के एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी आ सकती है, मैं समझती हूँ एक अच्छी गवर्नेंस यूपी को देगी, और गवर्नेंस के लिए और उत्तर प्रदेश को दी आज जरूरत क्या? आपने कभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा हो कि लोकायुक्त नियुक्त करो? खुद सुप्रीम कोर्ट लोकायुक्त नियुक्त कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा लोकपाल आपने क्यों नहीं अपॉइंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट लगाई आज लोकल वो करेंगे। और हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को हटाया, नहीं सरकार की बात मान जरा ये सोचिए। बहुगुणा जोशी जो हैं, कई बार ये लगता है कि उनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी इस बार उनको प्रोजेक्ट करेगी, शीला जी को प्रोजेक्ट कर दिया, लगता है कि आप उसको छोड़ दिया आपने, जैसे शीला जी ने नाम आया आप उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, आप शीला जी से पूछ लीजिएगा, वो मेरी बहुत सम्मानित नेता हिंदुस्तान की है। जैसे उनका नाम शुरू हुआ था मैं उनके पास गई थी कि आप जरूर स्वीकार कर लीजिएगा क्योंकि आप न्यूट्रल हैं और सब लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे। वो भी जानती है, मैं भी जानती हूँ कि मुख्यमंत्री बनना नहीं था किसी को, भाई आप लड़े बली का बकरा बना दिया, बकरी बना दिया नहीं, उनको ये बलि का बकरा नहीं, एक ऐसा बिंदु बन सकती थी कि सब उनके चारों ओर इकट्ठे होकर और काम करें। तो उनका नाम मैंने खुद कहा उनको, जब वो एक ये मुद्दा ही नहीं था, अगर ये मुद्दा होता तो 2012 में होता। मैंने कभी भी पद के लिए या मैंने कोई चुनाव जीतने के लिए कभी राजनीति नहीं की। अगर यही होता तो मैं मुरली मनोहर जोशी जी से क्यों लड़ती, मैं राजनाथ सिंह जी से क्यों लड़ती, मैं इनसे केशनाथ त्रिपाठी जी से क्यों लड़ती? मुझे हमेशा पार्टी इनसे लड़ने के बाद यही कहना है कि बैठ गए आप जाकर के, तो बीजेपी नेताओं से मुझको लड़वाया गया। नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ जो आपने कहा ना कि आप आपको शीला जोशी जी एज ए लीडर पसंद थी क्योंकि वो फैक्शन लीडर नहीं थी, तो फिर जब वो आ गई तो आपके उनके साथ रहना चाहिए था ना। मैं थी उनके साथ घूम रही थी लेकिन जनता ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। अभी कहाँ रिजेक्ट किया, अभी तो चुनाव होने वाला है। नहीं, जो हम लोग देखिए, मैं 20 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हूँ, 5 चुनाव लड़ चुकी हूँ, हम मूड देख लेते हैं जनता का कि जनता का मूड कैसा है। कार्यकर्ता तो निकले जिनको टिकट चाहिए था, उन्होंने भीड़ इकट्ठी करी, सड़कों पे स्वागत मिल रही है ज्यादा, पहले सड़कों पे स्वागत किए, किसने 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, सब 100-100, 200-200 आदमी लिया है। लेकिन जब हम लोग पहले निकलते थे और जनता का जी एक होता ना, कोई वेव कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, जनता ऐसे खड़ी रहती थी, तो हम लोग समझ गए थे कि वो एक ले आपको देख रही है पर भी वो आप में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर होती, आप खुद बताइए, तो 3200 किलोमीटर खाट पंचायत के बाद क्यों हमको जरूरत पड़ी कि सीधे प्रशांत किशोर जी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए मुलायम सिंह जी से और अन्य पार्टियों से बात शुरू कर दी। मार्जिनलाइज कर दिया ना, अब तो है नहीं उनका रोल कहीं भी। नहीं, पर उनको चढ़ाया किसने? चढ़ाया भी तो उनको आदरणीय राहुल गांधी। शीला दीक्षित इज नॉन बिगिनिंग, शी वाज नॉट, आई थिंक शी इज अ नॉन स्टार्टर, नॉन स्टार्टर एट ऑल, नॉन स्टार्टर फॉर उनके नाम से वोट नहीं मिलने वाला लीडरशिप इन यूपी का। कांग्रेस के को वोट शीला दीक्षित को खड़ा करो या किसी को भी, सर्टेनली नॉट। अगर प्रियंका गांधी सामने आ गई तब? अब ये तो इफ पर की तो सवाल ही नहीं, अब तो सिचुएशन है नहीं। पर प्रियंका जी में लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अगर वो वोट कन्वर्ट कर सकती होती पार्टी के लिए, तो 2012 में हम 5 सीटें हार गए रायबरेली की, कांग्रेस के पास 3 सीट हार गए अमेठी में। तो आपका कहना यह है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई नारा था, ना कोई नेता था, ना कोई नीति थी, इसलिए कांग्रेस छोड़नी आपके लिए मजबूरी हो गई? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस पास ये सब नहीं था, लेकिन इसका प्रयोग उपयोग उत्तर प्रदेश में जनता तक कैसे जाए वो नहीं हो पाया। नेतृत्व देखिए, आजकल मेन चीज होती है नेतृत्व। राहुल जी की लीडरशिप एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को यूपी में, शीला जी की नहीं है, सोनिया जी की भी नहीं है। सोनिया जी तो वो तो अपना साइड लाइन उन्होंने कर लिया अपने आप को, वो तो साइड पे चली। तो मतलब ये कि कांग्रेस में वही बात वही कह रही जो मैं कह रहा हूँ, यूपी में इस समय कांग्रेस ना नेता है, ना नीति है, ना नारा है, ना कुछ और। कांग्रेस में नहीं, उत्तर प्रदेश में इस समय कांग्रेस का जनता से कोई जुड़ाव या जनता का उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं। तो यही कारण था आपका कांग्रेस छोड़ने का, मैं पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद। अखिलेश यादव यहाँ पर कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ कोई दाग नहीं? जिस सरकार के हेड हैं, उसके जो मंत्री हैं, दर्जनों मंत्रियों के ऊपर किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किस तरह प्रजापति जी के ऊपर हैं, उनको आप मेंटेन किए हुए हैं, रखे हुए हैं,
आप अपनी चाहे पिताजी के दबाव में करें या संगठन के दबाव में करें, अगर आप मुख्यमंत्री हैं और आप अपनी मर्जी से और आप अपनी मर्जी से एक आदमी को हटा नहीं सकते हैं, तो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं रीता बहुगुणा जोशी जी से। तो आपने पहले कहा कि इस वक्त कांग्रेस का कोई कनेक्ट है नहीं पब्लिक के साथ, बिल्कुल टेंगे टोटली के छोटी बाहर के लोग कॉर्पोरेट लेकर के आ जाते हैं, पर आपको लगता नहीं कि बीजेपी के ऊपर भी एक चार्ज है कि पोलराइजेशन करा देते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा, दलितों के खिलाफ ये सब कुछ जो है। मोदी जी जीते क्योंकि वो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को लोगों ने वोट दिया था, इस बार तो मुख्यमंत्री चुनना है, रीता बहुगुणा कैंडिडेट है नहीं। अच्छा, यूपी में पोलराइजेशन कौन करा रहा है? आपने इधर मायावती जी के भाषण सुने, मुलायम सिंह जी के भाषण से, सबने कराना है ना। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी कम से कम एक दर्जन सभाएं पिछले तीन महीने में यूपी में कर चुके हैं। एक भी सभा में अगर आप कोई भी पोलराइजेशन की बात निकाल दीजिए तो मैं आपको कुछ भी हारने को तैयार हूँ। मायावती जी जरूर पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं कि दलित मुस्लिम कर लो, वो कर रहे हैं को जिसने मारा वो मर गया बेचारा जेल में, उसके लिए तो आपने तिरंगा झंडा लगा दिया, वो आपके मंत्री वहां पहुंच गए, वहां का लोकल, ये पोलराइजेशन ही तो क्या है, वहां लोकल का आदमी आप ही मुझे एक साल हो गया क्रिमिनल के खिलाफ, एक साल हो गया ना उस घटना को, अभी क्या चार महीने पहले बेचारा मरा हो तो तीन महीने पहले, ये नहीं आप मेरी बात समझिए, मुजफ्फरनगर हुआ, दादरी हुआ और 600 से ज्यादा इंसिडेंट्स तब से अब तक हो चुके। तो अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट रहने से, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट रहने से शांति रहती है, सौहार्द रहता है, अखलाक रहता है, तो क्यों नहीं। गवर्नमेंट के आंकड़े जो क्राइम के बता रही हैं आप, चाहे वो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो, जैसे उसके ऊपर तो मध्य प्रदेश नंबर वन है, वेस्ट बंगाल नंबर टू है, यूपी नंबर तीन है, बिल्कुल है आंकड़ों के हिसाब से। तो हीनेस क्राइम्स में टॉप करती है, हीनेस क्राइम में भी रेप, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, हीनेस क्राइम सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है अभी तक, है विकास उनका ज्यादा हुआ है, पर यहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा है, सड़क बन गई 303 किलोमीटर, देखो कितने दिन के अंदर बन गई, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, सच बात तो यही है। उससे क्या होता है, एक आप अगर आप एक हाईवे बना दें तो एक हाईवे क्या आपके प्रगति का पूरा वो हाईवे बन जाएगा? आप बुलेट के कहते हैं हमारी सबसे बड़ा विकास हो रहा है, आपके आप अखिलेश यादव यहाँ पर कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ कोई दाग नहीं, उनके खिलाफ कुछ यही कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है, क्यों नहीं है? आप जिस सरकार के हेड हैं उसके जो मंत्री हैं, दर्जनों मंत्रियों के ऊपर किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किस तरह प्रजापति जी के ऊपर हैं, उनको आप मेंटेन किए हुए रखे हुए हैं, आप अपने चाहे पिताजी के दबाव में करें या संगठन के दबाव में करें, अगर आप मुख्यमंत्री हैं और आप अपनी मर्जी से और आप अपनी मर्जी से एक आदमी को हटा नहीं सकते हैं, तो यार पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, आप सिस्टम को अलग कैसे करेंगे? अपने चाचा को ही निकाल दिया, मिनिस्ट्री से निकाल दिया, फिर वापस ले लिया, नहीं कहा मिनिस्ट्री निकाल लिया, नहीं ले लिया दो, नहीं एक बार निकाला फिर वापस चीफ सेक्रेटरी निकाल दिया उन्होंने, जिनके खिलाफ चार्जेस है उनको निकाल दिया उन्होंने, जहाँ चलता है वो निकाल देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि युवा नेता आपके पास है, 40 साल का 44 साल का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, वो आपके पास कुछ नहीं है, इज अ नॉन फंक्शनल चीफ मिनिस्टर, वो दो चार चीजें प्रगति की कर दीजिए, उससे नहीं होता। और फिर जो भी वो अपनी इमेज बना रहे थे, उनकी पार्टी की जो इमेज है, वो पार्टी की इमेज उन्हीं लोगों से बनी हुई है जो कहीं ना कहीं जोरे पुश्त हैं, जो कहीं ना कहीं अपने पुराने जो समाजवादी पार्टी का स्टाइल है, समाजवादी पार्टी के पास खिलाफ जो है क्या इश्यू आपका? लॉ एंड करप्शन, नो नो, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, माफियावाद, गुंडाराज, माफियों का राज। सड़क जो आप पॉपुलरिटी की बात करते हैं कि आपका नोटबंद हुए बड़े पॉपुलर है क्योंकि वोट सर्वे करा लिया आपने, लाइन लगी हुई है यहाँ पर, तो इससे कहते हैं पॉपुलर भी है पर लाइन भी लगी हुई है। तो अगर इतना आप जो कह रही है गुंडा राज है ये है, पर ऐसा कोई दिखाई तो देता नहीं, बाई इलेक्शन हुए उसमें आपने एक जीता आज तक पांच साल के अंदर, सारे हार गए सारे के सारे। आप ये चुनाव आने दीजिए, 2014 में भी ये देखिए पार्लियामेंट के एमएमपी जो थे वो खुद उनकी असेंबली सीटें सारी की सारी एक साल में हार गया। 2014 में एक तरफ से सुपड़ा साफ हुआ था मायावती जी का, 2012 में सुपड़ा साफ हुआ था, 2017 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, मायावती जी का भी साफ होगा, क्योंकि दोनों के इलेक्शन जो छोटे निकायों के हुए वहां पर आप सबका सुपड़ा साफ हुआ। नहीं, निकायों की बात मत करिए, देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव जो आपके 8 MP थे, 8 असेंबली सही थी उनकी, 8 के 8 हार गया, कोई बात नहीं, वो तो 2014 में 15 में हार गया, कोई बात नहीं हार जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 साल और सरकार थी समाजवादी पार्टी की, हो सकता है जनता ने सोचा हो कि 3 साल में हमारे क्षेत्र की प्रगति होगी इसलिए उनको वोट दे दिया। अभी देखिए सबसे ज्यादा अगर
नोटबंदी को लेकर के आप तो कहेंगे अच्छा हुआ, पॉलिसी अच्छी है, इम्प्लीमेंट। यूपी में हर जगह पिटाई हो रही बैंक के एम्प्लॉइज की, लोग मर गए, 10-12 लोग मर गए यूपी के अंदर, लाइन में लोग लगे हुए हैं, उससे असर तो होगा। ये भी तो आपके सोचने का तरीका गलत है ना। नहीं, ये दुखदाई है कि पॉलिसी अच्छी है, नहीं तो इम्प्लीमेंट दुखदाई है कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, किन कानून से कैसे वो ठीक है। लेकिन कौन सा राजनीतिक दल है जो कह रहा है पॉलिसी गलत है? एक मिनट, हर दल कह रहा है कि इंटेंशन सही है। और जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको 50 दिन दो और जनता देने को तैयार है, किसी भी पॉलिसी का मूल्यांकन तब होता है जब थोड़ा सा जी 70 लोग सारे देश में, वो दुखद है, वो दुखद है कि जब 10 लोग मरे थे वीपी सिंह के जमाने में तो सरकार पलट गई थी। नहीं, दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, इतना जबरदस्त ब्लैक इकोनॉमी हम लोगों के यहाँ देश में थी, इतना जबरदस्त पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, तो इसमें जो युवा है, जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब है, और जो अपर मिडिल क्लास भी, और जो ईमानदार अपर क्लास, बीजेपी को सब खुश है। बीजेपी, मोदी जी तो है नहीं यहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले, तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। आपके यहाँ कैंडिडेट नहीं है? आप कहेंगे सारे कैंडिडेट है हमारे नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छे जो नेता है वो बीजेपी में ही है इसमें? बीजेपी में तभी तो नेता कोई नहीं है, मुख्यमंत्री कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई है ही नहीं। तो बीजेपी में तो आपके पास ज्यादा दर्जन लोग हैं जो बिहार में आपने खड़ा नहीं किया, अनुभवी हैं। बिहार में आपने खड़ा नहीं किया, यूपी के कोई चीज हरियाणा में नहीं किया था, जीत गया। हरियाणा में महाराष्ट्र में बाद में हुए थे, हरियाणा में नहीं किया, आसाम में किया आपने? आप आसाम में किया, क्यों किया? नहीं, जहाँ जहाँ समझ में आया, दिल्ली में नहीं किया आपने, लेट किया, हार गए आप, बाहर से लेकर के हार गए। ऐसा नहीं होता, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता है, आप देखिएगा, बहुत अनुभवी है। अब ये तो हाईकमान तय करेगा, उनको तय करना है, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का काम है, ये हमारा काम नहीं है डिक्लेयर करना। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी कोई अंतर आने वाला नहीं, क्योंकि जनता इस बार जबरदस्त चेंज चाहती है, दोनों क्षेत्रीय पार्टियों से मुक्ति चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी उस गैप को फिल इन कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार कोई दिक्कत नहीं। ये तो सच बात है, आपके एक नेता ने माना कि यूपी में अभी भी कास्ट की राजनीति चलती है। हाँ, चलती तो यही है, कास्ट के बेसिस पर लोग बैठते हैं, तो कास्ट जब लोगों पर, आप तो किसी कास्ट में नहीं है, क्यों दलित सारे लोग उनके साथ हैं, ऐसे नहीं होता, मुस्लिम तो सारे यादव मुलायम सिंह के साथ हैं, आपके पास है क्या? 2014 में क्या हुआ विनफॉल? 2009 में क्या हुआ? 2009 में क्या हुआ? 2009 में इस बार है, 10 सीटें जीती आपको, इस बार है समाजवादी और बहुजन के खिलाफ जबरदस्त नेगेटिव वेव है, जनता इन दोनों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आज जो नौजवान लड़का 18 साल का है, वो 20 साल से देख रहा है कि किस तरह से दोहन हो रहा है। 2002 से लेकर अब तक 14 साल में तो यही दो पार्टियां सत्ता में आती रही। ठीक थी, कौन कहता है? बीएसपी, सुनिए, उन्होंने अपने मंत्री बंद कर दिए, अपने एमएलए एमपी सब जेल में बंद कर दिए। वो क्यों किए? हम लोगों ने आंदोलन किए तब हुए। मैं तो आपका घर भी जला दिया था, मेरा घर जलाया, और जिस आदमी ने जलाया, आईजी था वो इस समय, यहाँ पर मायावती जी के उस समय सरकार थी, और पुलिस वालों ने खड़े होकर मेरा घर जलवाया। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, और कितनी बलात्कार आपने ऐसा, और सुनिए तो बयान भी ऐसा दिया था जो पुलिस था, तो आप घर, आप प्रदेश के, मैं वो तो प्रदेश सरकार घर जलवा देगी? ना, वो तो गलत थी यार, कानून है देश का, अगर आपको लगता था कुछ गलत है आप केस करिए, जेल भेजिए, पर आप ये नहीं कर सकते कि किसी का घर जला दें। आप कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? फिर आप देखिए, लेकर मुरादाबाद से और अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, लखीमपुर खीरी, बांदा, फतेहपुर, इलाहाबाद, देवरिया, कितने बलात्कार, इस लखनऊ में आधा दर्जन लड़कियों का बलात्कार करके उनको गाड़ दिया गया था। मैं अध्यक्ष थी, महिला थी, मैं तो पूरे प्रदेश में दौड़ती रह गई मायावती जी के कार्यकाल में कि भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करिए, और उसके बाद फायदा होगा मुलायम को, और एक भी जना गया नहीं। सर, उसके बाद आपकी बात भी सुनी, मुलायम की बात? हाँ, ये बात तो सच, लड़ाई हमने लड़ी, कांग्रेस की साख इतनी थी, लड़ाई हमने लड़ी, और सीटें आपको 30 से भी कम रह गई, उनको मिलती, लड़ाई हमने लड़ी, ले हो गए। अभी भी तो यही होगा ना, लड़ाई आप लड़ेंगे, ले जाएंगी मायावती? नहीं, इस बार नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इन दोनों से लोग परेशान है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मोदी जी ने लोगों का विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि आप मोदी जी का बार बार नाम ले रहे हैं। केंद्र में 2 साल, देखिए अभी 2.5 साल सरकार है केंद्र में बीजेपी की, और उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से अगर यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो जैसे कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उनके नाम से लोग मांगेंगे, प्रियंका गांधी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, वहाँ के नाम आके वोट मांगे। ऐसे चावला जी, आप जानते हैं कि इस समय हमारे इस भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन नेता हैं जो एक पल में संभाल सकते हैं बागडोर? ऐसी बात नहीं है, और जब जीत हो जाएगी उसके बाद चुनने में देर थोड़ी लगेगी। पर सवाल है कि प्रोजेक्ट करने में नुकसान क्या है? जब आप जगह करते हैं कि आपको लगता है कि मायावती जी है वो कहेंगे रीटा बहुगुणी का बयान कोट करेंगी कि ऐसी महिला इनके यहाँ ज्वाइन करेंगी जिन्होंने ये मेरे बारे में कहा,
आपको पछतावा तो नहीं होगा ना उसका अभी तक कोई, कौन जो, कहेगा? जो मायावती जी के बारे में बयान दिया होगा वो आपका कोट करेंगी ना, ऐसी ऐसी महिलाएं। सुन लीजिए सुन लीजिए, उससे कहीं ज्यादा बुरे बयान उन्होंने खुद दिए हैं। मेरे मैंने जो बयान दिया था उसको तो तोड़ मरोड़ के बोला गया। मैंने जो कहा था मेरी भावना बिल्कुल सही थी, एक महिला मुख्यमंत्री हो और लड़कियों के रोज बलात्कार हो और डीजी हेलीकॉप्टर में बैठ के जाए 25,000 रुपए का चेक लेके, उसके लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती थी? जब आप प्रचार में निकलेंगी, जब आपको अभी तो यात्रा में आपको शामिल नहीं किया, शायद बाद में मैं जा रही हूँ, वो जो चार लोगों के नाम फोटो लगे हुए हैं रथ के ऊपर, उसमें रीटा जी का ना फोटो मैंने नहीं देखा। मैं उनकी शिष्यता नहीं हूँ, क्योंकि एक ठाकुर है, एक मौर्य है, एक ब्राह्मण है, एक एक बैकवर्ड है। मैं पार्टी में भी एक महीने पहले आई हूँ, वैश्विक मैं वैसे आपको रथ के अंदर चार कास्ट लगानी थी, ये जरूरी था क्या? नहीं कास्ट नहीं, वो लीडर्स हैं, अपने ओन राइट के लीडर्स हैं। उमा भारती यूपी की कब से लीडर है? नहीं क्यों नहीं है, उमा भारती जी का बड़ा नाम है बुंदेलखंड की, बहुत बड़ी नेता है वो। बुंदेलखंड की नहीं, वो मध्य प्रदेश की रहता रही है। तो पूरे तो आप तो जाति के नाम पे एक उमा भारती आपको बैकवर्ड होती बैकवर्ड दिखाई देगी, एक राजनाथ जी ठाकुर दिखाई देगी, कल्याण जी आपको। राजनाथ सिंह जी को ठाकुर में मत जोड़ी, हो तो बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, राज्य भी राष्ट्रीय नेता है। तो पर है तो ये अलग अलग कास्ट के लोग है ना, मौर्य तो मौर्य जी है। तो क्या कोई कास्ट लगाना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हैं। मतलब आप भी कास्ट से नहीं, आपको भी लगता है कास्ट समीकरण बनाने नहीं, अगर बड़ा नेता किसी कास्ट का है तो इसलिए नहीं उसको बाहर कर सकते कि ब्राह्मण इसलिए मत रखो, ठाकुर इसलिए मत रखो, पिछड़ा है। टक्कर किससे? हम ही लोगों से लड़ेगा जो भी लड़ेगा, सब फोर फ्रंट तो इस समय नहीं, बीजेपी है। लगता कि मायावती जी आपके नजदीक हैं लड़ाई में या मुलायम सिंह? दोनों ही समय बिखरे हुए हैं, देखिए एक महीने बाद पता चलेगा नंबर टू कौन है, कौन है। आप तो नंबर वन मान के चल रहे हैं ना? हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से फ्रंट रनर हम ही लोग हैं और ये दोनों ही लड़ेंगे। अब देखिए इनका ये जो समीकरण लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन क्या बैठाता, अभी तो सुन रहे हैं कुछ गठबंधन वठबंधन भी हो रहे हैं, इट्स टू अर्ली टू से, बट हम तो टॉप में हैं। आपको मेजोरिटी मिलेगी? वी आर फाइटिंग फॉर अ मेजोरिटी एंड वी आर सर्टेनली गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। बड़ा जैसे आप सरकार बनेगी, आपका भी इफ है ना, आप जीतेंगे। अगर आप नहीं जीतेंगे, आप ठीक रहा किसके ऊपर, अमित शाह के ऊपर फोड़ेंगे, मोदी जी के फोड़ेंगे? कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। मैं ये जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन चाह रहा है और सपा बसपा दोनों ट्राइड एंड टेस्टेड एंड रिजेक्टेड हैं। इन दोनों के जगह पर बीजेपी को ही लोग चुनेंगे और बहुत अच्छी गवर्नेंस होगी। तमिलनाडु में होता है एक बार ना, डीएमके ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको कोई नहीं, यहाँ तो ट्राइड टेस्टेड एंड रिजेक्टेड हो रहा है ना। रिजेक्ट अभी तो बीएसपी एक बार रिजेक्ट हो गया, पर आपको लगता है आपकी मेजोरिटी आएगी? नहीं आएगी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा ये पता नहीं है। जिम्मेदार नहीं होता, देखिए लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, सार्वभौम होती है। अगर जनता जिसको भी वोट देगी सबको उसको बहुत ही विनम्रता से उसके आदेश को स्वीकार करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का इस समय जो सबसे जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए वो प्रगति है, उन्नति है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में संभव है। अखिलेश जी का जो हमेशा विकास की बात करते हैं, अखिलेश जी जैसे मोदी जी करते हैं कोई बात, अखिलेश जी का खुद का कमांड अपना नहीं है। तो जो आदमी खुद कमांड नहीं कर सकता तो उनको तो प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कमांडिंग पोजीशन नहीं आपके पास भी, तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री आएगा जो भी आएगा। नहीं, नहीं, पारिवारिक नहीं होगा ना, पारिवारिक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। जय हिंद।